परिषति परमात्मन मादशान्मोहमुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागदीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव एक हजार आठ श्री शीतलनाथ भगवान की, देवादिदेव एक हजार आठ श्री श्रेयांशनाथ भगवान की, बीसवीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुरसागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। केवल ज्ञानी परमात्मा समोषण रूपी धर्म सभा में विराजमान हैं, रहते हैं, और वहाँ विराजमान होने पर उनकी वाणी को ग्रहण करने वाले गणधर प्रभु भी वहाँ पर विराजमान रहते हैं मुनियों के कोठे में। समोसरण एक ऐसी धर्म सभा है जिसमें सभी लोग बैठ करके समान रूप से अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप भगवान की वाणी को ग्रहण कर पाते हैं। ये भगवान की विद्यमानता का ही प्रताप है, जिसके कारण त्रियंत जैसे जीव भी उनकी वाणी को ग्रहण कर पाते हैं। आठ कोठों में देव समाज है, एक में मुनिगण हैं, एक कोठे में आरिका समुदाय है, उसी में श्राविकाएं भी बैठी हुई। श्राविकाओं का अलग कोठा नहीं है, जहाँ आरिका बैठी हैं उनके पीछे ही उसी कोठे में श्राविकाएं भी बैठती हैं। एक मनुष्यों का कोठा है और एक तिरंजों का कोठा है। मनुष्य भी दिव्य ध्वनि सुनते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कर्मोदय भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि सुनते हुए जब भरत चक्रवर्ती के प्रश्न का उत्तर उसमें आया कि भगवान अपने कुल में आप जैसा कोई तीर्थंकर होगा क्या, सामान्य स्वाभाविक बात है, प्रश्न उपस्थित होने पर दिव्य ध्वनि में उपदेश मिला कि तुम्हारा पुत्र जो है मरीचि कुमार, वह मरीचि कुमार अंतिम भगवान महावीर के रूप में तीर्थंकर बनेगा। अपन सोचते हैं प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रसन्नता इस बात की होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, हमारे कुल में भी एक तीर्थंकर और होगा, स्वाभाविक है ना, सबके मन में प्रसन्नता आएगी कि नहीं आएगी।
यदि कोई आपको बता दे कि आपके कुल में चक्रवर्ती होने वाला है तो आप प्रसन्न होंगे या नाराज होंगे? लेकिन मरीचि कुमार तो नाराजी उसने अपनी व्यक्त की। किसने देखा है 24वां तीर्थंकर? मैं तो अभी आदिनाथ भगवान के सम्मुख ही तीर्थंकर बन के बताऊंगा। कषाय कब और किस प्रकार जागृत हो सकती है? अच्छे निमित्त पाकर के भी कषाय करने वाला कषाय कर सकता है। मान कषाय जागृत हो गई और समोसरण से बाहर होकर के 363 पाखंड मतों को चला दिए। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि भगवान ऋषभदेव के समय जिस मरीचि कुमार ने 363 पाखंड मत चलाए थे, वही जब भगवान महावीर बना हुआ जीव तो अपने शादवादमय वाणी से उन खंड मतों का खंडन करने का उपक्रम प्रस्तुत किया। बंधुओं, कर्म कब किसके उदय में कैसे आते हैं ये कोई भी नहीं जानता है। कर्म बंध करना तो अवश्य जानते हैं, या कहें कि कर्म बंध का पुरुषार्थ तो हम कर लेते हैं। निमित्त कुछ भी हो सकते हैं, उन निमित्तों के कारण हमारी आत्मा जो है रागी होती है, क्योंकि हमें राग का निमित्त प्राप्त हुआ। द्वेषी होती है तो भगवान पार्श्वनाथ का जीवन अपन ने देखा है कि उनका ही भाई कमठ जो है वो द्वेषी हो गए। राग और द्वेष जो है किसी के कहने से, किसी के समझाने से नहीं आते। अनादिकालीन संस्कार हमारी आत्मा में हैं और अनादिकालीन संस्कारों के वश किस निमित्त को पाकर के कैसे राग उत्पन्न हो सकता है, कैसे द्वेष उत्पन्न हो सकता है, अथवा यूं कहें कैसे मोह उत्पन्न हो सकता है। रागी द्वेषी मोही जीव सतत निरंतर कर्म का बंध करते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया जो ऐसा ऐसा कर्म बंध गए। जब कर्म उदय में आता है ना, बंधने के समय में तो नहीं हमें पता चलता कि हम किस प्रकार के कर्मों का बंध कर रहे हैं, लेकिन जब उदय में आता है तो उदय में हमको पता चलता है कि हमारे कर्म का उदय आ गया है। भाई, निमित्त की तरफ दृष्टि जाती है कि इनके कारण से मेरे ऐसा इस प्रकार के भाव है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अपने ही बंधे हुए कर्मों का जब उदय आता है तब हमारे उस प्रकार के परिणाम बनते हैं। यही तो जिन शासन है। जिन शासन और कुछ अलग बात नहीं कहता, जिन शासन जिनेंद्र भगवान का शासन है। जिनेंद्र भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में जो उद्घोषित किया वही तो उनका शासन है। शासन और क्या करता है? हमने स्वतंत्रता प्राप्त की, हिंदुस्तान भारतवर्ष ने स्वतंत्रता प्राप्त की। सब लोग चाहते थे कि हमारा देश पराधीनता को प्राप्त है, और पराधीनता अच्छी बात नहीं है। पराधीनता को तो भोगना सबके बस की बात भी नहीं है। घर में पता नहीं कितने कितने प्रकार की पराधीनता में आपका जीवन चलता है। सब लोग रहते हैं एक परिवार में, कुछ दिनों के बाद में
ऐसा अनुभव लगता है कि भाई इस पराधीनता से तो मुक्त हो जाना अच्छा है। तो भाई पराधीनता से मुक्त होने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ेगा कि तभी स्वाधीनता होगी। अरे अपने देश में अंग्रेजों का काल था, उससे पहले भी अन्य लोगों ने हम पर शासन किया है, लेकिन अंग्रेजों का शासन भी 200 वर्ष से चल रहा था। कहते हैं, कहावत रही है कि अंग्रेजों के शासन में कभी सूर्यास्त होता ही नहीं है। 200 वर्ष तक शासन करके भी उनकी शासन पद्धति ने हमको ऐसा पराधीन बनाया कि हम अपनी स्वतंत्रता को भी भूल गए थे। क्योंकि गृहस्थ जीवन हमारा है और गृहस्थ जीवन में उस समय कोई उपदेश देने वाले नहीं थे कि भाई ये पराधीनता है, पराधीनता को कब तक बर्दाश्त करते रहोगे। लोगों ने अपना बलिदान दिया और बलिदान के बल पर और महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में देश ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। सब स्वतंत्रता है, स्वतंत्र हैं सब। फिर मोदी जी की क्या आवश्यकता है? जब अपन स्वतंत्र हैं तो, लेकिन वास्तविकता ये है कि देश भले स्वतंत्र हो गया हो और अभी भी चारों तरफ से हमारे देश पर आक्रमण हो रहे हैं। अरे चारों तरफ की बात तो छोड़ दें, और पड़ोसी देशों को छोड़ दें, लेकिन हम स्वयं ही आक्रमण कर रहे हैं अपने देश पर। अपना देश कहाँ है? भारत अपना देश नहीं है, ध्यान रख लें। हम अपने देश की बात कर रहे हैं, और अपना देश आत्मा है, आत्मा परतंत्र है, पुद्गल कर्मों का उस पर शासन चल रहा है। वो शासन उस पर कैसे आया? तो हम ही उसके कारण बने हैं, हमारे ही कारण पर द्रव्य का हम पर शासन चल रहा है। जैसे कर्म हमने बांधे हैं, वो कर्म जब उदय में आते हैं तो हमें नाचना पड़ता है। कर्म जो है संसार के प्राणियों को नृत्य कराता है। हम संसार में निवास कर रहे हैं, संसार एक नाट्यशाला के समान है, और नाट्यशाला को अपन जानते हैं कि नाना प्रकार का वेश धारण करके वहाँ पर कलाकार जो हैं अपने कला को दिखाते हैं। यही तो देखते हैं नाटक में। अब तो नाटक में तो देखने की जरूरत ही नहीं, नाटक तो बंद हो गए। हमारे घर में नाटक मंच बन गया है और हम अपने घर में ही बैठे बैठे देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हमारे 2 वर्ष का बालक भी देखता है। और ऐसे ऐसे नाटक प्रदर्शित होते हैं जिनसे शिक्षा ग्रहण करके परिवार में अशांति का साम्राज्य हो रहा है। परिवार के लोग उन नाटकों से शिक्षा ग्रहण करके और अपना प्रदर्शन करते हैं, उस प्रदर्शन से परिवार में अशांति है ना? बिरला ही कोई प्राणी होगा जिसके घर में शांति होगी, बाकी संसार के सभी प्राणियों के घर में अशांति अशांति है। अनेक प्रकार की अशांति है। परिवार के लोगों से अशांति नहीं हो तो बाहर के लोगों से अशांति है, व्यापार के निमित्त से अशांति है। आकुलताएं जो है वो कभी शांत नहीं रहने देती हमें, और आकुलताओं के कारण तो बहुत सारे हमारे जीवन में है। बंधु, हम भगवान जिनेंद्र का शासन प्राप्त किया। भगवान जिनेंद्र का शासन ऐसी औषधि देता है, उसमें ऐसी औषधि का प्रकटीकरण हुआ है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं। रोगी तो हम सभी हैं, अभी हम भी रोगी हैं,
पर थोड़ा अंतर है। आप तो हमसे ज्यादा रोगी हैं और हमने स्वस्थता प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप जैसे रोगी तो हम नहीं हैं। प्रातःकाल आज एक व्यक्ति प्रश्न कर रहे थे, महाराज घर में रहते हैं, कई प्रकार की अशांति होती, कई प्रकार के प्रसंग आते हैं, मन शांत नहीं रहता है, आकुलताएं हमारे मन में उत्पन्न होती, क्या करें, ऐसा मार्ग बताइए। हमने कहा कि भैया एक बात है, तुमको वहाँ पर अशांति होती है तो हमारे पास आ जाओ, शांति शांति हो जाएगी। उसका कारण है कि साम्य समता रूप धन को रखने वाले साधुजन जो हैं वो किसी भी परिस्थिति में अपने भीतर आकुलता उत्पन्न होने नहीं देने का पुरुषार्थ करते हैं। नहीं होती है ऐसा नहीं हम कह रहे, लेकिन पुरुषार्थ ये बात का करते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो वो हमारे अशांति का कारण न बने, समता हमारी बनी रहे। उस समता की साधना करते हैं तो समता की साधना से शांति ही शांति होती है। जो परिस्थितियाँ आती हैं उनका सामना हमें सबको करना पड़ता है, और उसका सामना करने के लिए सबसे बड़ा शस्त्र है हमारे पास, जिसे हम शांति कहें, समता कहें। अनेक प्रकार के प्रसंग बनते हैं, उन प्रसंगों में हमें समता की साधना करनी चाहिए। और होता है, ऐसी बात नहीं है, व्यापारी दुकान पर जब बैठता है और दुकान पर जब ग्राहक आता है और कोई हल्ला गुल्ला मचने की स्थिति बनती है, कोई अशांति की स्थिति बनती है, तो सेठ जी चुपचाप बैठ जाते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो अशांति अधिक बढ़ेगी, और अशांति अधिक बढ़ेगी तो व्यापार में घाटा हो जाएगा। इसलिए व्यापार के घाटे से बचने के लिए मन में हम शांति धारण कर लेते हैं, वो शांति शांति नहीं है पूरी, वहाँ तो स्वार्थ छिपा हुआ है, क्योंकि हमारे व्यापार में घाटा नहीं आना चाहिए, ये ग्राहक बिगड़ जाएगा, ये दूसरी दुकान पर जाना शुरू कर देगा, इसलिए शांति रखो। दो बात उसकी कठोर भी सुन लेते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति हमारे संसार में भ्रमण परिभ्रमण करते हुए बनती। जिन वैण मोसहमिणम विषय रू विरेणम अमीय भुगम जरा मरण वाही हरणम खय कर्णम सब दुखणम। भगवान जिनेन्द्र का शासन संपूर्ण प्रकार के दुखों से छूटने का एक मार्ग कहें या एक अवसर देते हैं, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के वचन रूपी एक परम औषधि हमें प्राप्त है, शास्त्रों में निबद्ध है, वो हमारा सौभाग्य है कि अभी वर्तमान में हमें साक्षात जिनेन्द्र का सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन आचार्य भगवंतों की कृपा से हमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त होती है। तो जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है, जो शास्त्रों में भी निबद्ध हैं, वो ऐसी परम औषधि है जिससे, क्योंकि संसार के प्राणी जो हैं विषय और कषाय के रोग को अपने भीतर एकत्रित किए हुए, विषय और कषाय का रोग इतना बड़ा है कि अनादि काल से अब तक हम उस रोग को दूर नहीं कर पाए, और जैसे 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 विनिमित्त हमें प्राप्त होते हैं हम विषयों की तरफ भी दौड़ते हैं। हम एक बात बताएं, आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने संसार परिभ्रमण करते करते अनादिकाल से ऐसी कोई वस्तु देखी है जिसको आपने आपके एक इंद्रिय स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा कभी छुआ नहीं, ऐसी है कोई स्थिर वस्तु है क्या? अभी नहीं, हम तो
अनादिकाल से परिभ्रमण करते हैं, नाना प्रकार की पर्यायों को हमने धारण किया है, और नाना प्रकार की पर्यायों में ऐसी कौन सी वस्तु रही है बाकी जिसका हमने स्पर्श नहीं किया हो, कौन सी ऐसा स्वाद है जिसको हमने नहीं चखा हो, कौन से ऐसी सुगंध है जिसको हमने कभी सूंघा नहीं, कौन से ऐसे निमित्त हैं कि हमने हमारे काम का सेवन नहीं किया हो, परिग्रह का संचय नहीं किया हो, ऐसा कौन सा वस्तु है। पांचों इंद्रियों के विषय जो हैं हमने अनादिकाल से अनेकों अनेकों बार सहन प्राप्त किए हैं, उनको भोगा है, तो अब इस विषय और कषाय के रोग को दूर करने का साधन क्या हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात है, हमने सुना है, कल भी हमने एक बात कही थी, संसार को मस करके, कुछ लोग कहते हैं संसार को मस करके उसमें से अमृत प्राप्त हो, लेकिन हमने ये भी कहा था कल, क्योंकि शुद्ध पंचमी महापर्व हमने मनाया था और शुद्ध पंचमी महापर्व का यह संदेश था कि भाई संसार समुद्र है, संसार के समुद्र में, संसार समुद्र में तो जल भरा हुआ है, उसको मथने से अमृत की प्राप्ति नहीं हो सकती। अमृत तो कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु है जिसको प्राप्त करने का परम पुरुषार्थ जो है वो दीक्षा धारण करके किया जाता है, विशेष सुखों को छोड़ा जाता है, संसारी सुखों, भौतिक सुखों को त्यागना पड़ता है, तब कहीं जाकर के दीक्षा में होने वाले कष्टों को, हाँ कष्ट होते हैं ऐसी बात नहीं, हम बिल्कुल सुखी हैं ऐसा नहीं, कष्ट आते हैं क्योंकि कर्म से बंधी हुई आत्मा है, और कर्म का जब उदय आएगा तो कष्ट भी आएंगे, लेकिन उन कष्टों को सहन करने की क्षमता साधु अपने भीतर उत्पन्न करते हैं, और उन दुखों को सहन करके उसका एकमात्र साधन है भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, वह ज्ञान रूपी अमृत जो है वही हमारे उन कष्टों को दूर कर सकता है ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं ऐसे 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 वचन नहीं है, हम तो कुछ भी का कुछ बोल देते हैं, पर जिनेंद्र भगवान की वाणी तो अत्यंत गंभीर है, मधुर है, अत्यंत मनोहर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनेंद्र भगवान के जीवन में घातीय कर्मों का दोष नाश को प्राप्त हो गया, इसलिए उनकी वाणी जो है वो भी निर्दोष है, दोष रहित है और हितकारी है, क्योंकि वही संसार में एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे लिए हितकर हो सकता है, बाकी तो सब अहितकारी, चाहे परिवार में आप सुखी सुख का अनुभव कर रहे हों, उनको हितकारी मान रहे हों, लेकिन बुढ़ापा थोड़ा ज़्यादा आ जाए तो मालूम पड़ जाएगा, फिर तो देखो अभी कहीं कहीं गाँवों में जिनके जो एकल हो गए हैं परिवार, कोई नहीं है उनके घर में, या अथवा जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं, जिनको बच्चों ने पूछना छोड़ दिया है, जिनको बच्चे भूल गए हैं, जिनके उपकारों को भूल करके उन्होंने उनको उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, ऐसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो कई गाँवों में भोजनालय समाज ने खोल रखे, ऐसा ना दिन देखना पड़े हमें, ऐसा मोह हमारा ना बढ़े, अपने बच्चों पर भी इतना मोह ना हम करें कि कहीं हमारे मोह के वशीभूत होकर के हमारे वृद्धावस्था में इस प्रकार के दुख देखने के दिन आ जाए। तो ये बात, अब सबसे बड़ा रोग तो कोई है, और सब बात जाने दें अपन, जन्म का दुख रोग है, क्योंकि हम जन्म धारण करते हैं, और जो जन्म धारण करता है उसको मरण की प्राप्ति भी होती है, और जन्म और मरण की व्याधि सबसे बड़ी व्याधि है, सबसे बड़ा दुख है,
उसको हरण करने में समर्थ जैनेन्द्र भगवान के वचन हैं। और हम प्रतिदिन प्रार्थना करें भगवान के सम्मुख, शांति धारा कर रहे हैं। शांति धारा में तो हमारा एक कार्य हमने नया शुरू प्रारंभ किया है, जैनेन्द्र मंदिर दिनालय बनाने का। उस दिनालय की पूर्णता के भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने। पर ये प्रार्थना करें कि हमारी आत्मा की पूर्णता हमें प्राप्त हो। जिनालय तो पूर्ण हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जिनालय की पूर्णता प्राप्त होने के बाद भी हम भगवान के सम्मुख ही तो जाएंगे उस जिनालय में भी। और जब भगवान के सम्मुख जाएंगे तो वहाँ यही प्रार्थना करना सही से रहेगा कि भगवान हमारे संपूर्ण दुखों का नाश हो और हम भी आप जैसी अवस्था को प्राप्त हो। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, भगवान से यही मांग करनी चाहिए। भगवान के सामने संसार के सुख भौतिक वांछाएं लेकर के हम जाते हैं और उनसे मांग करते हैं, हमारे अब दुखों को उनके सामने रोते हैं। सबसे बड़ा दुख जो है उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं जाता है। जन्म मरण का दुख जो हमने प्राप्त किया है संसार में रह करके, उस जन्म मरण के दुख को किस प्रकार हम दूर कर सकें, भगवान आप मार्ग जो आपने दिया है उस मार्ग पर चलने की शक्ति हमें दी, उस मार्ग के प्रति हमारी श्रद्धा जागृत हो और श्रद्धा के बल पर हम तत्व आपके द्वारा प्रतिपादित तत्वों का सही प्रकार से श्रद्धान करते हुए और अपने जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके उस जड़ को प्राप्त करें जिसके बल पर हमारे जीवन का वृक्ष जो है वह मधुर दृढ़ता को प्राप्त हो सके, मजबूती को प्राप्त हो सके। जड़ के बिना मजबूती आदि नहीं है। मकान का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं, नींव खोदते हैं, 10-5 नींव गहरी नींव खोदते हैं, क्योंकि मकान मजबूत रहना चाहिए। मकान मजबूती के लिए तो हम नींव खोद देते हैं, लेकिन अपने मकान की मजबूती के लिए हम कितनी नींव खोद रहे हैं। दादाजी 7वीं प्रतिमा ली है, बड़ा अच्छा किए हैं आपने 7वीं प्रतिमा के व्रत, लेकिन इनका निर्दोष परिपालन कैसे हो, ये भावना भाते हुए परिजन जो हैं, हम तो ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि वृद्धावस्था तक या जीवन की समाप्ति तक आपके परिजन आपके व्रतों का निर्वाह करने में कारण बने रहें और आप निराकुलता से उन व्रतों का पालन करके अपने आत्मा का कल्याण कर सकें। वस्तु स्थिति ये, छोटा सा भी नियम आप ये धारण करें आप, पर उसका परिपालन दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने कहा था, प्राण चले जाएं उसकी चिंता मत करना, लेकिन जो धर्म धारण किया है, जो व्रत धारण किए हैं, जो संयम धारण किए हैं, उसका परिपालन अवश्य करना। उसके परिपालन में यदि कोई त्रुटि होगी तो उसके दुख उससे होने वाले दुख को हमको जन्म जन्मांतर में भोगना पड़ सकता है। इसलिए संयम हमारे जीवन का अभिन्न अंग बने और हम भी इन भौतिक सुखों को सुख न मान करके वास्तविक सुख को प्राप्त करने की भावना भगवान के सामने करते रहें। और आप सब के लिए ये मंगलवाना हम करते हैं कि आपके जीवन में आपकी प्रार्थना सार्थक हो और प्रभु की भक्ति करते हुए जो आप पुण्य अर्जन कर रहे हैं वो पुण्य अर्जन जो है आपके जीवन में उसे और आपके कदम बढ़ाने की बुद्धि दे कि हम भी संयम धारण करके और शाश्वत सुख का जो मार्ग है उस मार्ग पर चल सकें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो श्री श्रीनाथ भगवान की।